Good morning students, welcome to the online class of standard 5. Now today we are going to learn the fourth lesson of grammar, the use of adjectives. The use of adjective. We know all the kinds. See here, an adjective can normally go in two places in a sentence, before a noun, as. देखो, noun के पहले adjective है, तब क्या होता है? Radha is a tall girl. Radha कैसी है? टॉल गर्ल है. टॉल ही क्या है? एडजेक्टिव है. मतलब उस जो दिया वाला है, जो जो नाउन है, उसके बारे में मोर इन्फॉर्मेशन बताने वाला है, उसको क्या बोलते हैं? टॉल. राधा कैसी है? टॉल गर्ल है. देन शी हैज अ ब्राउन आइज. उसकी आइज कैसी है? ब्राउन है. उसको आइज है कैसे? वो ब्राउन है. शी इज अ गुड प्लेयर. वो कैसी है? गुड प्लेयर है. आफ्टर द वर्ब बी इज एम आर वॉज वेयर इट इज सी. देखो एम इज आर वॉज वेयर, ये हमने क्या किया? हेल्पिंग वर्स है. देखो क्या होता है, आफ्टर फील स्मेल टेस्ट लुक्स स्टेम इट इज सी. सी ईयर द स्काई इज ब्लू. स्काई कैसा है? ब्लू है. शी लुक्स टायर्ड. वो कैसी लग रही? थकी वाली लग रही. आई एम फीलिंग हंग्री. मुझको बहुत भूख लगी. द रोज स्मेल स्वीट. रोज का स्मेल कैसा आता है? स्वीट है. देखो ये क्या है? सब एडजेक्टिव है. कौन सा एडजेक्टिव है? टायर्ड. ये उसके बाद में दिए वाले, वर्ब के बाद में आए वाले. एक्सरसाइज में देखो क्या है, चूज अ नाउन विद एन एडजेक्टिव टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. सेंटेंस कंप्लीट करने के लिए क्या करें? उनको एडजेक्टिव रखना है. देखो पहला सेंटेंस क्या है, पिज्जा इज एन इटालियन डिश. देखो यहाँ का क्या लिया? इटालियन और यहाँ का डिश क्या हुआ? पिज्जा इज एन इटालियन डिश. पिज्जा कैसी है? इटालियन डिश है. देर वेयर क्या है? देर वेयर क्लाउड्स इन द स्काई. मगर क्लाउड्स कैसे? डार्क क्लाउड्स. क्लाउड्स कैसे? डार्क. देर वेयर डार्क क्लाउड्स इन द स्काई. इसी तरह तुमको क्या करना है? सॉल्व करना है. देखो सेकंड क्वेश्चन में क्या है, देख. चूज अ वर्ब प्लस एन एडजेक्टिव टू कंप्लीट ईच सेंटेंस. देखो वर्ब और क्या करना है? एडजेक्टिव. हनी टेस्ट स्वीट. हनी कैसी है? टेस्ट में स्वीट है. दैट कार कैसी है? क्या आएगा इसमें का? दैट कार लुक्स न्यू. वो कार कैसी दिख रही है? न्यू दिख रही है. इसी तरह ये भी तुमको सॉल्व करने है. देन पुट द वर्ड्स इन द करेक्ट ऑर्डर एंड राइट द सेंटेंस. करेक्ट ऑर्डर में लिखना और सेंटेंस. ये क्या है? वर्ड एक सेंटेंस है. सेंटेंस में के वर्ड इधर उधर घुमा के दिए वाले. ये तुमको क्या करने है? एक उसका प्रॉपर एक सेंटेंस बनाना है. देखो पहला क्या है, इज बिग हाउस अ इट. उसका क्या आएगा? इट इज अ बिग हाउस. न्यू आई शू यूर लाइक. आई लाइक यूअर न्यू शूज. आई लाइक यूअर न्यू शूज वैसा. देन इन बुक फोर, मतलब फोर्थ में, यू हैव लर्न अबाउट द डिग्री एंड कंपेरिजन. फोर्थ में तुमने क्या किया? डिग्री और कंपेरिजन में सीखा. देखो क्या है, डिग्री ऑफ कंपेरिजन में कितने टाइप है? पॉजिटिव डिग्री, कंपेरेटिव डिग्री एंड सुपरलेटिव डिग्री. देखो रेड रेडर रेडेस्ट, टॉल टॉलर टॉलेस्ट. उसी तरह गुड बेटर बेस्ट, जेंटल जेंटलर जेंटलेस्ट, हैप्पी हैप्पियर हैप्पीएस्ट, डिफिकल्ट मोर डिफिकल्ट मोस्ट डिफिकल्ट. मेकिंग कंपेरिजन, हमको क्या करना है? अभी कंपेयर करना है, मतलब उसकी तुलना करनी है, कंपेरिजन करना है. क्या क्या करना है? देखो फॉर टू थिंग्स और पीपल दैट आर सिमिलर वी यूज एज विद पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में क्या करते हैं? एज के बीच में हम क्या करते हो? एडजेक्टिव रखते हैं. देखो टोनी इज एज टॉल एज टीना. टोनी इज एज टॉल एज टीना, मतलब टोनी कैसा है? टीना से टॉल है. ही इज एज ब्रेव एज लॉयन. वो लॉयन से क्या है? ब्रेव है. फॉर टू थिंग्स और पीपल्स दैट आर डिफरेंट इन वी यूज दैन विद कंपेरेटिव डिग्री. कंपेरेटिव डिग्री में क्या करते हैं हम? क्या यूज करते हैं? दैन यूज करते हैं. देखो नॉट एज एज विद पॉजिटिव डिग्री. पॉजिटिव डिग्री में जैसा एज करते वैसा नहीं करते. देखो क्या है, मीना इज टॉलर दैन राधा. मीना क्या है? राधा से टॉलर है. राधा इज नॉट एज टॉल एज मीना. राधा, ये जो राधा है, मीना की तरह टॉल नहीं है. यहां पर क्या यूज किया? नॉट यूज किया. इन अ नेगेटिव सेंटेंस वी यूज एज इन प्लेस ऑफ एज. राधा इज नॉट एज टॉल एज मीना. राधा इज नॉट एज टॉल एज मीना.
फॉर थ्री और मोर थिंग्स द पीपल दैट आर डिफरेंट वी यूज द सुपरलेटिव डिग्री विद द। और सुपरलेटिव डिग्री में क्या यूज करते द, देखो पहले समझ लो। पॉजिटिव में क्या यूज करते एज एज, कंपेरेटिव में क्या करते ऑब्जेक्टिव के बाद दैन, और सुपरलेटिव में क्या करते द पहले उसके। द पॉजिटिव डिग्री विद नो अदर, पॉजिटिव डिग्री की शुरुआत किससे करते हैं, नो अदर से करते। कंपेरेटिव में क्या करते नो अदर और एनी अदर। देखो आप यह तीनों भी सेंटेंस दिए वाले। अनिता इज द टॉलेस्ट गर्ल इन द क्लास, अनिता कैसी है गर्ल्स में टॉलेस्ट गर्ल है, सब गर्ल्स में क्या है क्लास में टॉलेस्ट गर्ल है। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज एज टॉल एज शी इज, उसकी जैसी दूसरी कौन सी भी गर्ल क्लास में नहीं है। नो अदर गर्ल इन द क्लास इज टॉलर देन हर, राधा से अनिता से ज़्यादा लंबी मतलब ज़्यादा टॉल कौन सी भी गर्ल क्लास में नहीं है, मतलब अनिता इज टॉलर देन एनी अदर गर्ल्स इन द क्लास। इसी तरह अभी देखो एक्सरसाइज दी वाली, क्या दी वाली, ये जो एग्जाम ऊपर जो तुमको सॉल्व करके दिए वाली उस पर ही क्या है एक्सरसाइज है। राइट इन योर नोटबुक द कंपेरिजन एंड सुपरलेटिव फॉर्म्स, कंपेरेटिव एंड सुपरलेटिव फॉर्म तुमको लिखने हैं। पहला दिया वाला है बिग, बिगर देन द बिगेस्ट, यहाँ पर क्या आएगा हॉट, हॉटर देन द हॉटेस्ट, लिटल मोर लिटल मोस्ट लिटल मोस्ट लिटल, थिक थिकर देन एंड थिकेस्ट देन, वैसा द थिकेस्ट थिके। देखो क्या है थिक का क्या आएगा, पहले थिक पॉजिटिव में, फिर थिकर देन एंड सुपरलेटिव में क्या आएगा द थिकेस्ट, वैसा। देन राइट द अपोजिट, अभी क्या लिखना है तुमको अपोजिट लिखना है। अपोजिट कैसे आएगा, हाई लो डार्क, डार्क का क्या आएगा, डार्क का क्या आएगा लाइट। उसी तरह बेटर वर्स क्लाउडर, उसका ये तुमको क्या करने लिखने हैं। लॉन्गर, लॉन्गर का क्या आएगा इजी, इजी का क्या आएगा इजी, आसान आसान है इजी हार्ड, वैसे उसी तरह। कंप्लीट द फॉलोइंग यूजिंग कंपेरेटिव, कंपेरेटिव यूज करके क्या करना तुमको नीचे दिए वाले जो कंप्लीट करने हैं। योर डॉल इज वेरी प्रिटी, आई हैव अ न्यू वन, तुम्हारी डॉल कैसी है प्रिटी है, आई हैव। देन योर बैग इज नॉट वेरी हैवी, माय बैग इज वेरी हैवी। राइट अ सेंटेंस अबाउट लेसी एंड नीना, यूज दैन, दैन यूज करना। आई एम 12, आई एम 11, देखो क्या बोलती, लूसी इज ओल्डर दैन नीना, लूसी इज ओल्डर दैन नीना, लूसी कैसी है उससे एल्डर है। आई एम 1 मीटर टॉल, आई एम 0.95 मीटर टॉल, मतलब ये क्या आएगा लकी, लूसी इज टॉलर देन नीना, लूसी कैसी है नीना से टॉलर है, ऐसे। देन रीराइट ईच सेंटेंस यूजिंग नॉट एज सो, लीड लीड इज हेवियर देन गोल्ड, लीड इज हेवियर देन गोल्ड, गोल्ड इज नॉट एज हेवी एज लीड, राधा इज टॉलर देन निशा, मतलब निशा इज नॉट एज टॉल एज राधा। रीराइट इज सेंटेंस यूजिंग अ पॉजिटिव एंड कंपेरेटिव फॉर्म, पॉजिटिव और कंपेरेटिव फॉर्म करके लिखना है तुमको, जैसे मैंने पीछे बताया वाला है। देन कंप्लीट द कंपेरिजन यूजिंग मच और अ बिट, जॉन इज 11, जैक इज 39, जॉन इज 11, जैक इज 39, जैक इज मच ओल्डर देन अ जॉन, मतलब क्या है इसमें ज़्यादा डिफरेंस है, इसलिए क्या यूज किया मच किया, 11 और 39 अगर कम रहा तो क्या आएगा अ बीट। देखो जॉन इज 4 फीट टॉल, लूसी इज 4 फीट 1 इंच, ज़्यादा इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, तो क्या आएगा लूसी इज 1 बीट टॉलर देन जॉन, वैसे। और लास्ट वाले क्वेश्चन देखो क्या है इसमें अभी, क्वेश्चन नंबर 8, राइट द कंपेरिजन ऑफ फॉर ईच पिक्चर, ईच पिक्चर का कंपेरिजन, बिग स्मॉल, बिग कौन सा है स्मॉल कौन सा है, ए टू डी पिक्चर दिए वाले, ए डी, ए इज बिगर देन डी, ए क्या है डी से बिगर है, बी इज स्मॉलर देन सी, बी क्या है सी से स्मॉलर से, ए इज द बिगेस्ट, ए इज द बिगेस्ट एंड बी इज द स्मॉलेस्ट, बी इज द स्मॉलेस्ट, ऐसे तुमको कंपेयर करना है और इसको सब सॉल्व करना है, नोटबुक में सॉल्व करना है और मुझको भेजना है। ओके थैंक यू।